जलंधर व्यापार मंडल एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे एसडीएम के दरबार, बाजार खोलने के लिए लागू किए गए ऑड इवन नियम। सरकार व जिला प्रशासन की ओर से कोरोना पर वायरस प्रकोप के चलते बाजार खोलने के लिए लागू किए गए ऑड इवन नियम के चलते आज सुबह रौनक बाजार, शेखा बाजार, अटारी बाजार के दुकानदारों व जिला व्यापार मंडल की ओर से विरोध किया गया, जिसके चलते आज सुबह बाजारों में जहां रोष जाहिर किया, वहीं दोपहर को एसडीएम जय इंदर सिंह के साथ मीटिंग की। हालांकि मीटिंग का कोई स्पष्ट हल नहीं निकल सका, लेकिन व्यापार मंडल के प्रधान परविंदर बहल ने बताया कि उनके एसडीएम के साथ बात हुई है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि व्यापारियों को किस तरह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए दुकान खोलने में छूट दी जाए। इस अवसर पर पार्षद शहरी चेड़ा व अन्य उपस्थित थे। जिंदर डिस्ट्रिक्ट व्यापार मंडल की मीटिंग से जिले में शहरी चेड़ा जी, हैप्पी जी, रमन रोड़ा जी और विकास विजय चौधरी जी, कपिल जी, सारे असं मिलकर आए हैं। साड़ी एसडीएम साहब नाल गल हुई है, जिहड़ा साडा प्रॉब्लम आ रही थी अज दे शूज़ की, रेडीमेड गारमेंट्स की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ज्वैलरी और कपड़े की, ये बारे असं उन्होंने डिस्कस किया भी, अभी उन्होंने मांग की है भी साढ़े एको दिन सेम डे दुकाना खुलियाँ जाए और इवन ये ना किया जाए, जिंदा सानू बड़ी परेशानी आती है। जो कस्टमर आता है तो उन्हें जुत्तियां भी लैनिया, उन्हें कपड़े भी लेने, उन्हें ज्वेलरी भी लेनी है, उन्हें होर भी आइटम लैनिया होंगे, तो वह प्रॉब्लम आ रही है। इस करके सानू आपस व्यापारियों के भी फिर तकरार हो रहा है, उन्होंने दूर किया जाए। उन्होंने सानू एक वायदा किया कि मैं थोड़ा ये डी साहब ने गल करके विद इन 3 या 4 डेज तक ये थोड़ा मसला हल कर देंगे, जिद 31 तरीक तक तो वैसे ही तुम सीएम साहब के रूल जोड़े है वह फॉलोअप करो, तो उस तो बाद 2 तरीक में फिर थोड़ा सैटिंग होगी। ये ग्रॉसरी और वैजिटेबल्स और स्पेशल कमोडिटी, मिल्क प्रोडक्ट्स और मेडिसन, ये सारिया शॉप रेगूलर खुलन गया, इन्हों कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साढ़े सारे भरा व्यापारी सारे जान जान, ये सारिया 6 दिन दुकाना खुलन गया, सोमवार तो लैके फ्राइड तक, सैटरडे और संडे लॉकडाउन है, वो आप प्रॉपर सारे जने लॉकडाउन रखा, उस दिन दुकाना सारे बंद रखा। थैंक यू।